हेलो वेलकम नमस्ते पिछली बार जब मैं आपसे मिली थी तो मैंने आपसे प्रिफिक्स और सफिक्स की बात की थी थोड़ी बहुत हमने चीटिंग की थी नए नए वर्ड सीखने के लिए लेकिन बहुत सारे वर्ड के गए थे यहाँ से और तब मैंने आपको बोला था कि अगली बार मिलके आपसे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करूंगी अब ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन भी छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं ना ये सब छोटे छोटे वर्ड्स हैं लेकिन इनके मतलब अलग अलग है तो मतलब समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रेपजिशन होते क्या हैं ये भी बता देती हूँ बेसिकली ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो चीज़ें कहाँ हैं या कब है या किस लिए है शायद किसी और चीज़ के रिलेशन में वो हमें समझा सके ऐसे वर्ड्स हैं तो कोई भी नाउन्स या प्रोनाउंस या वर्ब्स या एड्जेक्टिव के साथ हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन रूल ये है कि नाउन और प्रोनाउन के साथ अगर आप यूज़ करना चाहें तो उनके पहले डालने होते हैं और वर्ब और एडजेक्टिव के साथ अगर यूज करना चाहे तो उनके बाद डालने होते हैं सिर्फ ये रूल आपको याद रखना है तो जो भी वर्ड प्रेपोजिशन के बाद आता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं जैसे हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना आज अच्छे लग रहे हो वैसे ही प्रेपोजिशन के बाद वाला जो वर्ड होता है उसका स्पेलिंग अलग होता है बोलते उसको भी कॉम्प्लीमेंट ही है तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी प्रेपोजिशन के बारे में सीखते हैं लेकिन उससे पहले एक अच्छी वाली चीज़ बताती हो इंग्लिश में डेढ़ सौ से भी ज्यादा प्रेपोजिशन है डेढ़ सौ से भी ज्यादा पर ऊपर टॉप थ्री में कौन है पता है ऑफ टू और इन ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं इसलिए इनका यूज तो हमको जल्दी से सीखना है कुछ प्रेपोजिशन में आपको यहाँ दिखा देती हूँ कुछ ढूंढने का काम आपका तो कुछ मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये सब कॉमन प्रेपोजिशन है ये सब मैं आपको पढ़ के तो नहीं बता पाऊंगी लेकिन अगर आप एक मिनट स्क्रीन के ऊपर देख लें तो आप काफ़ी सारे प्रेपोजिशन सीख पाएंगे इससे पहले कि मैं आगे बढूं मैं आपसे ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो थोड़े ओवरलैप करते हैं यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो प्रेपोजिशन भी हो कंजंक्शन भी हो नाउन भी हो वर्ब भी हो हो सकता है सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज तो अगर ऐसा कुछ हो तो बिल्कुल डरिएगा मत बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा आपका काम वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना नहीं है आपका काम है सही भाषा को यूज़ करना अगर आप ग्रामेटिकली सही भाषा यूज़ कर सकते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश बोलने में ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ अब प्रेपजिशंस की बात करूँ तो उसमें भी कई सारे टाइप्स होते हैं तो उनके टाइप सीखने से हमको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी अब वैसे तो प्रेपोजिशन पांच टाइप के होते हैं ट्रांजिटिव होते हैं इन ट्रांटिव होते हैं कंजक्टिव कॉम्प्लेक्स फ्रेज लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए दो काफ़ी है तो हम आज इन्हीं दो के बारे में बात करेंगे मैं आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती ग्रामर में अगर जाना चाहूँ ना तो बहुत डेप्थ में जा सकते हो लेकिन हमें यह सोचना है कि हमें बोलते वक्त कौन से वाले प्रेपोजिशन का ध्यान रखना है तो हम आज वही वाले सीखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको सिखा देती हूँ कि ट्रांजिटिव प्रेपोजिशन क्या होते हैं तो वो ट्रांजिटिव प्रेपोजिशन उन प्रेपुजिशन को कहते हैं कि जो एक कॉम्प्लीमेंट के बिना फंक्शन नहीं कर सकते हैं याद रखिए ये तारीफ करने वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड है जो प्रेपोजिशन के बाद आता है तो ये प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ड ना आए ना तो ये प्रेपोजिशन का कोई मतलब नहीं है जैसे मैं अगर सिर्फ इतना कहूँ ना कि अमंगस्ट तो कोई सेंटेंस का मतलब ही नहीं रहेगा तो मतलब अमंगस्ट ऐसा प्रेपोजिशन है कि इसके बाद हमें कोई ना कोई वर्ड को तो डालना ही पड़ेगा तो हमें कहना पड़ेगा शी लिव्ड अमंगस्ट द वाइल्ड फ्लावर्स ही रैन टुवर्ड्स द हॉल टुवर्ड्स अगर मैं बोल रही हूँ तो उसका मतलब है किसी की तरफ तो किसकी तरफ जा रहा है वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा इसीलिए ऐसे प्रपोजिशंस को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रपोजिशंस उसी तरीके से होते हैं इन बिल्कुल उनके उल्टे होते हैं यानी कि इन ट्रांसीटिव प्रपोजिशन को किसी भी वर्ड की यानी कि किसी भी कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है अगर मैं उस पर सेंटेंस ख़त्म करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ काफ़ी सारे ट्रेडिशनल लोग हैं ग्रामेरियंस हैं जो कहते हैं कि इन ट्रांजिटिव प्रपोजिशन कुछ नहीं है एडवर्ब्स ही होते हैं और ये गलत होते हैं और इनको यूज़ नहीं करना चाहिए लेकिन लैंग्वेज जैसे जैसे आगे बढ़ी है बहुत सारे चेंजेस आए हैं और हम बात करते वक्त ऐसे बोलते हैं शी लिव्ड आउटसाइड बाहर रहती थी वो सही तो है तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो ओवरलैप होंगे तो आउटसाइड एडवर्ब भी है और इन सेंजिटिव भी है एडवर्ब कैसे है इसके बारे में बाद में बात करेंगे लेकिन अभी के लिए ये समझना जरूरी है कि ऐसे प्रपोजिशन जो अगर मैं जिनसे सेंटेंस को ख़त्म करूं यानी कि जिनके पीछे अगर मैं कोई और वर्ड ना डालूं तो भी सेंटेंस का मतलब समझ में आ जाएगा उन्हें कहते हैं इन ट्रांसिटिव प्रपोजिशंस मतलब अगर मैं बोलूं देर इज़ नो वन एल्स टू हाइड बिहाइंड कोई और है नहीं जिसके पीछे मैं छुप सकूं तो वो सेंटेंस का मतलब पूरा पूरा समझ आ जाता है और बिहाइंड के आगे मुझे वर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अब ये समझ लेते हैं कि प्रपोजिशंस कौन से टाइप के रिलेशंस एक्सप्रेस करते हैं तो रिलेशन्स तो बहुत सारे एक्सप्रेस करते हैं एक एक करके सबकी बात करूंगी लेकिन प्रेपोजिशन मैंने आपको कहा था कि ऑन टू ऑफ इन ये सब कॉमन वाले हैं मतलब ये हर जगह आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे रिलेशन्स ये एक्सप्रेस कर सके ऐसे प्रपोजिशंस हैं मतलब रिपीट होंगे लेकिन आपको ये समझना है कि अगर प्लेस है तो उसमें उसको कैसे यूज़ करना है तो जैसे अगर मैं प्लेस की बात करूँ प्लेस का मतलब क्या है जगह तो अगर मुझे किसी जगह को रिफ़र करना है और अगर मैं इन बोल रही हूँ तो मैं उस जगह के अंदर हूँ अगर मैं एट बोल रही हूँ तो मैं उस जगह पे हूँ अगर मैं ऑन कह रही हूँ तो उसके ऊपर हूँ और अगर मैं इनसाइड कह रही हूँ तो फिर से उसके अंदर हूँ तो अगर मैं बोलती हूँ लेटस मीट इन ऑफिस तो ऑफ़िस के अंदर मिलते हैं अगर मैं बोलूँ आई एम एट ऐट ऑफिस तो मैं ऑफिस पे हूँ और फिर आप ऑफिस पे आके मुझे फ़ोन करें और आप पूछें कि कहाँ हैं आप और मैं कहूँ आई एम इन माई केबिन इन माई केबिन मतलब ऑफिस के अंदर जो मेरा केबिन है मैं उसके अंदर हूँ तो ये इन और एट का फर्क है फिर मैं कहूँ आई विल सी यू एट द कॉलेज तो मैं इन जनरल कॉलेज जगह की बात कर रही हूँ अगर क्लास बोलना होगा तो इन द क्लास बोल सकती हूँ कॉलेज में कहा हूँ इन द क्लास तो ये फर्क है एट और इन का फिर अगर मैं कहती हूँ लेफ्ट हिज फोन ऑन द टेबल तो अगर ये टेबल है तो टेबल के ऊपर कुछ आता है तो हम बोलते हैं ऑन यानी कि टेबल के सरफेस पे कुछ है तो वो उसके लिए मैं कहूँगी ऑन और मैं बोलूँ लेट्स को इनसाइड तो मतलब चलिए अंदर जाते हैं तो उसका मतलब है इन वैसे ही अगर मुझे टाइम की बात करनी है टाइम एक्सप्रेस करना है तो भी मैं इन एट और ऑन तो यूज़ कर ही सकती हूँ कौन सा वाला कब यूज़ करना है ये समझ लेते हैं अगर मैं सुबह शाम दिन रात की बात कर रही हूँ मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट की बात करती हूँ तो मैं बोलूंगी इन तो आई विल सी यू इन द इवनिंग ओके okay. तो इन जो है वो ऐसे वर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है वैसे ही अगर मुझे मंथ uh, की बात करनी है जैसे कि जनवरी फेबररी दिसंबर ऐसे बोलना है तो मैं बोलूँगी द वेडिंग इज़ इन दिसंबर तो इन जो है वो मंथ के लिए यूज़ हो सकता है किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ हो सकता है लेकिन अगर मैं बोलूँ पर्टिकुलर टाइम आपका चार बजे पाँच बजे तो मैं बोलूँगी एट लेट इस मीट एट फाइव पी एम वहाँ पर मैं इन नहीं यूज़ कर सकती हूँ और अगर मैं दिनों की बात करूँ तो मैं ऑन यूज़ कर सकती हूँ आई डोंट वर्क ऑन सनडेज तो वहाँ पे मैं इन और एट नहीं यूज़ करूंगी ठीक है जब स्पेसिफिक टाइम बता रहे हो चार बजे पाँच बजे बारह बजे तो एट यूज़ करो डेज़ का नाम ले रहे हो तो ऑन यूज़ करो और कोई दिन के टाइम की बात कर रहे हो मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून तो इन यूज़ करो और मंथ के लिए भी इनको यूज़ कीजिए अगर इतना आपको क्लियर है तो इसके आगे एक स्टेप बढ़ते हैं इन जो है ना जैसे कि मैंने बोला मंथ के लिए यूज़ हो सकता है वैसे ही ईयर्स के लिए भी हो सकता है तो इन द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी ऐसे बोलते हैं ना या सीजन इन समर तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं और जो ऑन है वो सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है डेज़ के लिए तो सिर्फ संडे मंडे ट्यूज़डे वस्जडे उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं करते हैं जब टाइम की बात कर रही हूँ तब अगर मैं एट की बात करूं तो वो किसी टाइम जैसे दिन का कोई टाइम है जैसे कि मैंने बोला आफ्टरनून इवनिंग नाइट तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं तो ऑन और एट का यूज़ तो एकदम क्लियर है इनका सिर्फ आपको याद रखना है क्योंकि ऑन और एट तो एक एक चीज़ के लिए ही यूज़ हो रहा है अगर आप किसी एक्सटेंडेड टाइम की बात कर रहे हैं यानी कि अभी के टाइम की नहीं आगे के टाइम की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए और प्रपोजिशन है हमारे पास जैसे कि सिंस है फॉर है बाय है ड्योरिंग है फ्रॉम टू फ्रॉम अंटिल और विद इन भी है कैसे यूज़ करना है जैसे कि अगर मैं बोलूँ आई हैव बिन लिविंग योर सिंस माई चाइल्ड हुड मेरे बचपन से मैं यहाँ रह रही हूँ तो सिंस जो है वो एक्सटेंडेड टाइम यानी कि मेरे बचपन से लेके आज तक की मैं बात कर रही हूँ तब मैं सिंस यूज़ कर रही हूँ पहले से आज तक की बात करनी है तो सिंस यूज़ कीजिए फिर अगर मुझे बोलना है आई हैव बिन वर्किंग ऑन दिस टास्क फॉर टू आवर्स मतलब एक्सटेंडेड टाइम मतलब अभी की नहीं दो घंटे की बात कर रही हूँ मैं पूरे दो घंटे की बात है इसीलिए मैंने ऑन यूज़ किया है आई विल रीच देर बाय फाइव पी एम का मतलब है मैं पाँच बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगी इसीलिए मैंने बाय यूज़ किया तो बाय मतलब तक हो गया फिर अगर कहूँ ही वर्क्स पार्ट टाइम ड्योरिंग द समर ड्योरिंग द समर मतलब जो समर का पीरियड है जो गर्मियों का पीरियड है उस वक्त वो पार्ट टाइम काम करते हैं तो ये हो गया एक्सटेंडेड टाइम मैं एक स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं कर रही हूँ मैं ये नहीं कह रही कि समर की ही समर जिस टाइम तक चल रही है समर की छुट्टियां हैं या समर का सीज़न जब तक चल रहा है तब तक वो पार्ट टाइम काम करता है द सीज़न इज़ फ्रॉम जनवरी टू जून जनवरी से शुरू होती है और जून पे ख़त्म होती है तो मैं एक टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ वैसे ही टाइम पीरियड के लिए फ्रॉम और अंटिल भी यूज़ होता है दे विल स्टार्ट फ्रॉम मे एंड वॉक अंटिल जून टिल दे रीच देयर तो मे में शुरू करेंगे और जून तक चलेंगे जब तक वो वहाँ पहुँच नहीं जाते वैसे ही अगर मैं कहूँ आई विल फिनिश इट विद इन थ्री ईयर्स तो मैं तीन साल के अंदर अंदर इसको ख़त्म कर दूंगी तो ये मतलब है इन सारे प्रपोजिशन का ये सब टाइम के लिए यूज़ होते हैं और प्लेस और टाइम के प्रपोजिशनस ना काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं क्योंकि आप बार बार उसकी तरफ रिफ़र करते ही है जैसे वो होते हैं वैसे लोकेशन के भी होते हैं जैसे मैं किसी स्पेसिफ़िक लोकेशन की अगर बात कर रही हूँ तो मैं इन बोल सकती हूँ प्लेस क्या होती है एक पर्टिकुलर जगह होती है लोकेशन एक एरिया हो सकता है कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो सकता है कोई कंट्री भी हो सकता है तो लोकेशन प्लेस से थोड़ा बड़ा होता है यही फर्क होता है तो उसमें फिर से मैं इन एट और ऑन का यूज़ करूंगी टू का भी यूज़ करूंगी तो किसी देश की अगर मैं बात करूँ किसी देश में हम रह रहे हैं तो मैं बोलूंगी दे लिव इन इंडिया इंडिया के अंदर रहते हैं वो देश में रह रहे हैं वैसे ही अगर मुझे किसी जगह के बारे में बात करनी है और हमें उस जगह पे जाना है तो हम टू यूज़ कर सकते हैं लेटस गो टू द फेयर फेयर तक जाते हैं या फेयर पे जाते हैं तो लेटस गो टू द फेयर कहाँ जाना है फेयर पे जाना है तब हम टू यूज़ करते हैं कोई स्पेसिफिक जगह है तो आपको पता ही है कि ऐट यूज़ करना है सो लेट्स मीट एट योर हाउस तो आपके घर पे मिलते हैं और कोई ऐसी चीज़ है लोकेशन है लेकिन चीज़ की लोकेशन है जैसे मैं बोलूँ देर इज अ लॉट ऑफ डर्ट ऑन दंडो खिड़की पे काफ़ी सारी मिट्टी है तब मैं ऑन यूज़ करती हूँ अगर इतना क्लियर है तो काफ़ी टाइप के प्रपोजिशन्स आप समझ चुके हैं ऑलरेडी तो अभी के लिए इतना ही लेकिन ये काफ़ी नहीं था हाँ अभी बात ख़त्म नहीं हुई है अभी तो मुझे आपके साथ और भी बहुत सारी बातें करनी है इस टॉपिक के बारे में लेकिन वो अब अगले वीडियो में तो अगले वीडियो में लेके आ रही हूँ इसी टॉपिक की थोड़ी और नई बातें आपके लिए इसलिए जल्दी जाके वापस आओ मैं भी आती हूँ तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय